The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Alright, so cardiac stent, छल्ला, उसके बारे में बातचीत होगी आज कि क्या होता है स्टेंट और किसको लगता है स्टेंट, कैसे लगता है। देखिए, स्टेंट एक छोटा ट्यूब जैसा, स्प्रिंग जैसा चीज़ होती है जिसके अंदर जो हॉलो होता है और वो आपके बॉडी के अंदर लगाया जाता है। ये स्टेंट काफ़ी सारी जगहों पे लगाया जा सकता है। ये एक आर्टरी में लगाया जा सकता है ताकि खून की नस जो लेके जा रही है खून वो खुल जाए अगर बंद है तो। ये एक वेन में लगाया जा सकता है। ये यूरिन के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में लगाया जा सकता है, खून के रास्ते में लगाया जा सकता है और हर किसी भी चीज़ पे लगाया जा सकता है छल्ला, ताकि वो चीज़ खुली रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेंट इज कि वो जो जगह है, वो जो रास्ता है वो बंद ना हो जाए, उस चीज़ के लिए हम स्टेंट लगाते हैं। और हार्ट के स्टेंट, दिल के स्टेंट सबसे ज़्यादा कॉमनली आप लोग उनको जानते हैं, समझते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे कि आपकी बॉडी में स्टेंट लगाने को बोलते हैं स्टेंटिंग और छल्ला लगाने को बोलते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के स्टेंट आते हैं। ज़्यादातर जो स्टेंट होते हैं ये मेटल के या तो प्लास्टिक के जैसा, प्लास्टिक मेश लाइक मटेरियल के बने होते हैं, या मेटल के या प्लास्टिक मेश लाइक मटेरियल के। और स्टेंट के जो ग्राफ्ट होते हैं कई बार वो फैब्रिक से भी बने होते हैं, मेड ऑफ फैब्रिक, जो मान लीजिए बड़े बड़े आर्टरीज में लगाया जा सकते हैं, बड़ी बड़ी खून की नसों में भी लगाया जा सकता है। जो दिल में लगता है कोरोनरी स्टेंट, वो छोटे होते हैं और खुद एक्सपांड हो जाते हैं, सेल्फ एक्सपांडिंग होते हैं। मेटल मेश दोनों मिला के ट्यूब, मेटल मेश की ट्यूब होती है, मेटल भी होता है मेश भी होता है, और ये कोरोनरी यानी हार्ट में जाने वाली खून की नस में लगता है, कोरोनरी आर्टरी में, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है, राइट। जैसे कि ये अगर कोरोनरी आर्टरी है, ये बंद हो जाती है तो ऐसे बंद हुई आर्टरी में फिर इसको खोलने के लिए छल्ला लगता है। तो वो एक छल्ले की फोटो है, ठीक है। और इसको अगर हम छल्ला ना लगाएं, राइट, अगर हम छल्ला ना लगाएं, सिर्फ बलून से उसको खोलें, उस प्रोसीजर को बोलते हैं बलून एंजियोप्लास्टी, और छल्ला लगाते हैं तो वो होती है स्टेंटिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो बंद आर्टरी है उसको खोलने के बाद बलून कर दिया तो खुल जाएगी, लेकिन वो फिर वापस रिकॉइल होकर बंद हो जाएगी, तो वो फिर ना हो इसलिए उसमें रिक्लोजिंग अवॉइड करने के लिए ये ट्यूब डाल दी जाती है जो उसे पकड़ के रखती है, ठीक है। सो इसमें एक ड्रग एल्यूटिंग स्टंट भी आते हैं, दवाई लगे हुए स्टंट भी आते हैं जिनमें कि उस ट्यूब के ऊपर दवाई लगी होती है। तो ये दवाई क्या करती है, और अच्छे से ये नस, इसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा होता है उसको डिसॉल्व करती है और उसको वापस रीक्लोज हो जाने से रोकती है, राइट। और कोई भी दूसरे तरीके के कई सारे स्टंट होते हैं जो शरीर में लगा के वापस भी निकाले जाते हैं, लेकिन हार्ट के जो स्टंट होते हैं वो वापस नहीं निकाले जाते। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जो होते हैं, जो आजकल चल रहे हैं, जो मतलब पिछले 10-20 सालों से जो चल रहे हैं, पहले ज़माने में होता था कि दूसरे मेटल के स्टेंट आने, आज के डेट में जो स्टेंट लग रहे हैं वो बिल्कुल भी कतई भी वापस निकालना नहीं पड़ता, वहीं के वहीं छोड़ दिए जाते हैं। इवन डिसॉल्वेबल स्टेंट आ गए हैं जो वहीं के वहीं खुल जाते हैं, मतलब 3-4-6 महीने उसको पकड़ के रखते हैं, उसके बाद क्या होता है 3 महीने में तो आराम से वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो घुल जाते हैं, घुलते खुल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। सो डिसॉल्वेबल स्टेंट आते हैं, ये स्टेंट फिर उसके अंदर घुस जाते हैं, उसकी जो वॉल्स होती हैं खून की नसों की, वॉल्स को उसने खोला, वॉल के अंदर ही घुस जाते हैं, वॉल के अंदर रह जाते हैं, तो आपके बेसिक जो स्ट्रक्चर है खून की नसों का उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्यों डाला जाता है स्टेंट,
ज्यादातर केसेस में तब डालेंगे जब नस बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, यानी हार्ट की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी स्टंट एंजियोप्लास्टी, स्टंट प्लेसमेंट, हार्ट अटैक के केस में लगता है। दूसरे केस में पेरिफेरल, दूसरी खून की नसें जो हाथ पैरों को जा रही है वहां बंद हो जाए, तो हाथ काले पड़ने लग गए, तो उनमें भी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, सेम चीज, और स्टंट लग सकता है, हार्ट में लगता है तो बाहर भी लग सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में अगर वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाए उसमें भी स्टंट लग सकता है। किडनी में जाने वाली रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाए उसमें भी स्टंट लग सकता है, उसका स्टंट निकल भी जाता है। और एब्डोमिनल, पेट में जो मेन मोटी एओर्टिक एनोरिज्म होते हैं उसमें भी एंडोवैस्कुलर रिपेयर्स होते हैं, स्टंट्स लग सकते हैं। इवन ब्रेन में जाने वाली कैरोटिड आर्टरी में भी स्टंट लग सकते हैं, यहां पर गले में नस होती वहां पर। और क्यों स्टंट यूज किया जाता है, ब्लॉक्ड आर्टरी हो या पेशाब की नस हो, पेशाब की नसें हो उसमें भी लग सकता है, पेशाब की नसें हैं जो यूरेटर्स, उनको खुला रखने के लिए स्टंट उसमें लग सकता है। कोई ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म हो, राइट, कोई इवन छाती के अंदर खून की नसें, कहीं भी एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मतलब खून की नस में कोई गुब्बारा सा बन गया हो, तो उसको उसके अंदर ब्लड फ्लो रोकने के लिए या उसमें कुछ वो फूट ना जाए तो उसमें स्टंट लग सकता है, कॉइलिंग हो सकती है, राइट। बाइल, गॉल ब्लैडर के, या मान लीजिए कैंसर हो गया किसी को, ना खुदा ना खास्ता, और कैंसर से गॉल ब्लैडर का बाइल जो है वो बंद हो गया, बाइल का रास्ता बंद हो गया, या कहीं का भी रास्ता बंद हो गया, तो उसमें स्टंट लगाने से क्या होगा, कैंसर अपने आप जलेगा, प्लास्टिक के आर पार थोड़ी चला जाएगा, तो कम से कम जितनी लाइफ है वो अच्छे से जी पाएंगे, राइट। तो स्टंट एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट भी कर लेता है ब्लॉक्ड गॉल ब्लैडर या बाइल स्ट्रक्चर या किसी भी इस तरीके के ब्लॉक स्ट्रक्चर को खोलने के लिए, बेसिकली जहां हम बाहर से तारे डाल सकते हैं वहां स्टंट डाल सकते हैं, राइट। इवन एयरवे में ट्यूब ब्रीद नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे भी इवन वो पॉसिबल है कि ट्यूब डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब बाहर से कर रहे हैं तो कुछ रिस्क तो रहेगा ही, है ना। अब जैसे हार्ट के अंदर डाल रहे हैं तो कहीं पर भी लगा रहे हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क रहेगा, इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, परक्यूटेनियस प्रोसीजर है, ट्रांसजुगुलर प्रोसीजर है, तो इन सब चीज़ों में ये रिस्क तो उठाना पड़ता है, एक तरीके का माइनर ऑपरेशन मान के चलिए इसको। और क्योंकि वहाँ जब भी हम किसी भी अंदर किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं तो उसमें माइनर इंजरी उसको हो सकती है, धक्का मार रहे माइनर इंजरी, वहाँ पर सूजन थोड़े दिन के लिए, दर्द अजीब वगैरह फीलिंग बहुत कुछ रह सकता है। सो इसीलिए ये हॉस्पिटल में एडमिट करके किया जाता है स्टंट लगाने का प्रोसीजर। और एंजियोप्लास्टी इसका नाम है जो हार्ट के अंदर खून की नसों में स्टंट लगता है। सो ये बेसिक जानकारी हुई आपके लिए जो स्टंट की आपको होनी चाहिए कि स्टंट कितने प्रकार के होते हैं। नहीं नहीं, स्टंट अपने आप बंद नहीं होते, स्टंट्स आर नॉट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, स्टंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, स्टंट अपने आप बंद नहीं होते, स्टंट फिर से निकालने, वापस निकालने नहीं पड़ते, हार्ट के स्टंट कतई निकालने नहीं पड़ते। जब बहुत मोटी कोई नस हो, जैसे किडनी की आर्टरी, एओर्टिक आर्टरी, या कई ऐसी जगह पे जहां टेम्पररी स्टंट लगाया वो निकालने पड़ सकते हैं, वरना ऐसे हार्ट के अंदर कोई स्टंट निकालने नहीं पड़ते, परमानेंट होते हैं और उससे कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होता। एमआरआई वेमआरआई कर सकते हैं ज़्यादातर स्टेंट्स में, जिसमें नहीं कर सकते आपके डॉक्टर खुद बताएंगे, तो स्टेंट के बारे में ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑलराइट, डू शेयर दिस एंड डू आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। हेलो,